हल्द्वानी में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र की जनता के साथ बैठक की, जिसमें क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे भरने से लेकर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसपी सिटी हरबंश सिंह ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, साथ ही ट्रैफिक समेत अन्य व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत कर रूट निर्धारण किया। वहीं क्षेत्र के पार्षद सहित तमाम लोगों ने अधिकारियों से सड़कों के हाल सुधारे जाने की मांग की, साथ ही आश्वासन दिया कि क्षेत्र में शांति के साथ मुहर्रम मनाया जाएगा, जिसमें प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार से व्यवस्था पर कोई बाधा ना पहुंचे। ये मुहर्रम के विषय में आज बैठक हुई है, जिसमें प्रशासन के सभी लोग यहाँ मौजूद थे, चेयरमैन साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थी, थाने अध्यक्ष थे, सब ने यही मतलब निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाए। जिस जिस रोड से मुहर्रमदारी उठती है उसके गड्ढे भरे जाएँ, पेड़ों की लोपिंग करी जाए, बिजली के तार सही करे जाएँ, यही विषय के बारे में आज मीटिंग हुई। यहाँ जो है आज मुहर्रम के लक्ष्य पर एक बैठक की गई थी, जिसमें सम्मानित पार्षदगण और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे और यहाँ की आवाम भी मौजूद थी। जो हमारे ताजियों वाले रूट हैं उनको लेकर उस विशेष चर्चा की गई, जिसमें आदेश सबसे बड़ी जो विषय है वो यहाँ पर बनभूलपुरा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या गड्ढों को लेकर के है, जिसमें माननीय महापौर को भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया। तो जो आवश्यक गड्ढे हैं रूट निर्धारित रूट पर, उसको उस पर तत्काल जो है उसको भरने का काम किया जाएगा, यह आदेश दिया गया है और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा भी इसमें भरोसा दिलाया गया है कि तत्काल इस कार्य को कराया जाएगा। हमारी मांगे ये थी, जो गड्ढे जो सड़कें खराब हैं उनको पहले भरा जाए, बाकी जो ट्रैफिक में जो रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको हटाया जाए, और जिस रोड से जो हमें आदेश मिले हैं जिस रोड से मुहर्रम निकालने उसी रोड से निकलेंगे, और 10 बजे तक का समय दिया गया है ढोल ताशे बजाने का, और मैं प्रशासन का आभारी हूँ, हमेशा ये चलता आया है, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं आगे कोई ऐसी बात होगी भी नहीं। मैं 29 जुलाई को मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है और सब लोगों को अवगत करा दिया गया कि उनके द्वारा क्या क्या किया जाना है। सबको सख्त निर्देश दिए गए कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ताजियों की हाइट 12 से 14 फुट से ज़्यादा ना हो ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ के जो नागरिक हैं उनको द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कई रोड पे गड्ढे हैं, तो AMNA को जो नगर निगम के AMNA है उनको अवगत करा दिया गया, उन्होंने गड्ढे भरने की अनुमति कहा है कि गड्ढे भर दिए जाएंगे और ये जो त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो इसके लिए सारे विभाग सक्रिय हैं और प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये जो मुहर्रम का त्यौहार 29 जुलाई को होने वाला है वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा, सकुशल संपन्न होगा और उसमें सारे विभाग बहुत अच्छे से काम करेंगे। और पुलिस विभाग का सबसे बड़ा दायित्व रहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे, उसके लिए हमने 40 पॉइंट निर्धारित किए हैं, 40 पॉइंट पर ड्यूटी लगा दी गई हैं और सारी ड्यूटियों को ब्रीफ कर दिया जाएगा मौके पर जाकर ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और मैं ताजियेदारों को विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि वो समय से चलें और 10 बजे से पहले अपना जो रूट है उसको निर्धारित रूट को पूरा कर लें। जो आगामी त्यौहार है हमारा मुहर्रम का, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक बनभूलपुरा थाने के अंतर्गत की गई है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा जो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस का जो रूट होता है उस पर जो जो व्यवस्थाएँ करानी है उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरवाने के लिए इसमें आदेशित कर दिया गया है, साथ ही जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती हैं और जो बिजली के तार जो ढीले हो रहे हैं उसके लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी तार लूज़ हैं उसको तत्काल सही करा लें। और पानी की व्यवस्था के लिए भी कर दिया गया है, साफ़ सफाई के लिए कर दिया गया है, समस्त तरीके की व्यवस्थाएँ जो रूट के लिए चाहिए वो सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित कर दिया गया है।